नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम आपको गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच के मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताएंगे, ये तो बताएंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी IPL के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जल्दी से आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी नवी मुंबई में ये मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों आपको बताया था कि 20 ओवर में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 163 रनों का लक्ष्य रखा। आपको बताया था कि गुजरात टाइटंस में मैथ्यू वेट ने 19 रन बनाए जबकि सुमन गिल ने 7 रन की पारी खेली, वहीं एस सुदर्शन ने 11 रन बनाए। वहीं दोस्तों आपको बताया था कि इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने 50 रन की पारी खेली। दोस्तों आपको बता दें वहीं डेविड मिलन ने 12 रन बनाए, वहीं मनोहर ने 35 रन की पारी खेली। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के जीत के हीरो रहे राहुल तेवतिया इस मुकाबले में नहीं चल पाए, वो सिर्फ 6 रन बना के आउट हो गए। वहीं राशिद खान भी शून्य पे आउट हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि 163 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की ओपनिंग काफी शानदार रही। आपको बता दें कि अनुज शर्मा ने 42 रन बनाए, वहीं कप्तान केन विलियमसन ने 57 रनों की पारी खेली।